वेलकम बैक टू माई चैनल तो जी ये मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से और यहाँ है ना मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी तो यहाँ जो सूजी है ये रवा नहीं है इस बार ये सूजी है जो मैंने गला के रख दी है दही में और बाकी वेजिटेबल्स ले लिए हैं तो वही मैं उत्पम बनाने वाली हूँ और जब से ये मैंने बनाया ना आरू को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया मतलब एक दिन मैंने प्लेन बनाया फिर उसके बाद मैंने ना एक दिन उसमें मिला दिया था सिर्फ टमाटर और फिर उसके बाद ना मैंने प्याज भी थोड़ा सा ऐड किया पहले शिमला मिर्च किया था देन उसके बाद है ना इस बार मैंने ना जो भी मेरे पास था मैंने इसमें मिक्स किया जैसे प्याज है और अब की मैंने चुकंदर ऐड किया उसका थोड़ा सा ना कलर लाने के लिए और उसका जो पिंक पिंक सा कलर आता है ना वो उसको बहुत अच्छा लगा हालांकि मुझे लगा था कि चुकंदर का है ना कुछ टेस्ट आएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये कुछ ऐसा टेस्ट नहीं आया और इसका कलर भी आया और इस बहाने भाई वो उनके ना पेट में भी गया तो कुछ ना किसी किसी वजह से आप किसी में भी ऐड करके बच्चों के है ना बस खाने में वेजिटेबल्स चली जाए ना तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी मतलब जो चीज़ वो लोग वैसे नहीं खाते और इस तरीके से खा लेना तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो रोटी सब्जी से नहीं खा रहे हैं तो ऐसे ही ठीक तो बस यहाँ पे मैंने है ना एक घोल बना के रेडी करके रख दिया क्योंकि उसको थोड़ा सा ना और मिक्स होने में फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है तब तक मैं अपने बर्तनों को अरेंज कर लूँगी जो रात के धुले हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे और भी बर्तन जो मेरे रखे हुए हैं उनको मैं उसके ऊपर रखूँगी टोकरी बिल्कुल यहाँ से खाली करनी पड़ती है बर्तनों को उनकी है ना अपनी जगह पर उसी टाइम पे लगा देती हूँ और कई बार ऐसा होता है कोई कैबिनेट अगर खाली हो गया है और मैं बर्तन लगाने से पहले न एक कपड़ा लेके उसको पहुंच भी देती हूँ तो है ना बस ये सब अपने सारे बर्तन लगाने के बाद अब मैं बना रही थी इन लोगों का नाश्ता क्योंकि ये लोग भी उठ गए थे और यहाँ है ना जो ब्रेड है मैं एक साइड से सेक लूँगी हालांकि उत्पम वैसे भी बना सकते हैं लेकिन ये है ना मैं ब्रेड में बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिन से मैंने एक दिन अरुक को दिया था तो उसको अच्छा लगा था तो फिर मैं है ना उसी स्टाइल में बना रही हूँ तो यहाँ बस मैं पेस्ट जो मैंने बनाया था उसको डाल दूँगी और इसमें है ना मैंने कुछ कुछ नमक मसाले वगैरह सब डाल दिए थे तो ब्रेड को इसके ऊपर ना अच्छी तरीके से पेस्ट कर दूँगी और सूजी का है तो ये ना अच्छे से सिक जाता है ऐसा लस लसा सा नहीं रहता है और बहुत अच्छा बन जाता है अच्छी तरीके से है ना किनारों पर मैं जो है घी ऐड कर दूँगी घी लगा से और अच्छी ब्रेड का भी टेस्ट बढ़ जाता है तो एक साइड पे सेक के फिर मैंने इसको किया था अदरवाइज ना भी सेके तो चलता है अंदर का लेकिन मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी की वजह से इसको इस तरीके से सेक दिया था तो ये जब थोड़ा सा टाइम लेता है और सीखने के बाद मैं इसको है ना चार इसको पीस कर दूंगी दोनों ही बच्चों को देने हैं मुझे ये है। तो मैं दो दो करके सॉस के साथ में दूंगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा उन लोगों को और दोनों मज़े से खा लेते हैं इसमें विशु को भी मुझे अलग से खिलाने की कई बारी ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको पीस है ना और छोटे से करके दे देती हूँ तो जब बस इनका नाश्ता हुआ ना तो सबसे पहले मैं आ गई थी अपने पर्दों को उतारने देखिए घर में है ना जैसी आ, हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं पता चलता है जब अरे इस दिन है ना अब दीपावली आने वाली है तो क्यों ना हम है ना अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू कर देते हैं बट मेरे साथ ना ऐसा बिल्कुल नहीं है मुझे दीपावली की या किसी त्यौहार की है ना क्लीनिंग की उतनी टेंशन कभी नहीं होती है वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ क्लीनिंग जो है ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना जब भी हर रोज का ले लेती हूँ कोई भी क्लीनिंग रहता है तो मुझे ऐसा रहता है कि जैसे वॉल मैंने जैसे अभी क्लीन किया था तो उसका ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है तो इस तरीके से क्या है ना कि मुझे हर दिन का एक चीज़ लेने के बाद क्लीन कर देती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है तो जैसे आज मैंने कर्टेन उतारे हैं तो मैं अभी तो मुझे है ना मैं जब से यहाँ आई हूँ गुड़गांव में तब से मेरा ये दूसरी बार वॉश हो रहा है नहीं तो मैं है ना बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी पर्दों को वॉश कर देती हूँ तो यहाँ जल्दी धोने का इसका रीज़न ये और है कि है ना अभी धूप थोड़ी सी कम है तो जब तक दोपहर का टाइम होगा ना तब तक मेरे पर्दे धुल के सूख भी जाएंगे और मैं उन्हें टांग भी दूंगी तो तेज़ रोशनी में है ना आ, कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इस वजह से मैं पहले उसे ही वॉश करने के लिए डाल के आई और यहाँ मैं ना अपने जो है जितना भी डस्टिंग रहता है वो मेरा डेली का काम है तो वो मैं है ना डस्टिंग तो कभी स्किप नहीं कर सकती बीच में कई बार ही ऐसे करती हूँ कि मुझे कुछ और साफ़ करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ लेकिन जिस दिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है तो फिर ये काम डेली का ही चलता है तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे है ना घर की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है क्योंकि बीच बीच में मैं छोटे छोटे काम है ना डेली में ले लेती हूँ जिससे कि जो मेरा भारी भरकम काम है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो हफ्ते का या मैं ऐसे बोलूँ कि महीने के जो काम रहते हैं वो तो मैं तभी ले सकती हूँ डेली में नहीं ले सकती लेकिन उसकी वजह से होता ही है कि मेरा जब भी कोई तीज त्यौहार वगैरह आता है ना तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है कि अब फेस्टिवल आ रहा है तो मुझे ये करना है वो करना है क्योंकि मैं सैटरडे संडे का ना बिल्कुल वेट नहीं कर सकती हूँ उस दिन तो मैं और ज़्यादा बिजी होती हूँ सैटरडे संडे केवल मैं वही काम लेती हूँ जो मुझे हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जैसे कुछ खुलवाना है कुछ उतरवाना है तो वो बात जैसे भारी भारी सूटकेस रहते हैं तो उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अदरवाइज़ मैं कुछ भी है ना सैटरडे संडे पर डिपेंड होकर नहीं करती हूँ ये सारे काम ना मैं इन लोगों के जाने के बाद ही कर देती हूँ तो इस तरीके से ना मेरा पूरा घर साफ़ रहता है और डेली जो साफ़ सफाई चलती है वो तो हमेशा क्लीन ही रहता है अगर मैं उसको एक दिन ना भी करूँ ना तो भी चलेगा तो इस तरीके से जैसे सोफ़े ले लिए टेबल का तो डेली का है क्योंकि ये डेली यूज़ होती है तो इसके ऊपर जो मैं अभी है ना कवर खरीदे थे तो मैं वही सारे है ना चेंज करके इसके ऊपर लगा दे रही हूँ और कोने कोने की जितनी भी सफाई रहती है ना वो तो मेरे डेली ही चलती है सामान हटा देती हूँ तो बस सारा अपना जो भी है डस्टिंग करने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में तो अब मैं यहाँ का जो भी सामान है ना पहले इन्हें हटाऊँगी अब हुआ ये था कि मैंने जैसे ही है ना बच्चों को ये सारा ब्रेकफास्ट कराने के बाद ना मैंने पर्दे उतारने चली गई थी क्योंकि पर्दे है ना मुझे जल्दी धो के टांगने भी थे तो इस वजह से इसलिए मैं जब हम लोग कमरे में जाते हैं ना तो फिर एक ही काम में लग जाते हैं उसके बाद मैं अपनी किचन में आई थी तो बस उसके बाद मैंने अपना किचन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया और वैसे भी मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना तो मेरे साथ साथ में ना मैं अपने किचन को साफ करती रहती हूँ ये मेरी हैबिट है मैं बहुत ज़्यादा गंदे किचन में या गंदगी में ना काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ मुझे सामान फैला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ जो कवर थे ना उनको मैं हाथ से ऐसे ही वॉश कर दूँगी और डिस लिक्विड से ही कर देती हूँ कई बार है ना मैं किचन के कपड़ों को भी ऐसे ही वॉश कर देती हूँ हालांकि मुझे उसमें थोड़ा सा रिफ़िल करना है और कई बार मैं यहाँ एक सोप भी रखती हूँ जो कपड़े धोने का रहता है तो अभी फ़िलहाल मैंने है ना काफ़ी टाइम से यहाँ रखना छोड़ दिया है वरना मैं यहीं रखती हूँ जिससे है ना मैं थोड़ा सा कोई कपड़ा रहता है डस्टिंग का रहता है तो उनको हाथों हाथ यहीं क्लीन कर देती हूँ तो ये ना है ना लाइनर है एंटी स्लिप वाली तो इनको है ना मैं ड्रॉर्स के अंदर लगाऊंगी ये ऊपर तो रखे रखे है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी और अभी रिसेंटली जो मैंने न्यू मेट्स ली हैं लाइनर लिया है तो वो मैंने है ना उनके सभी जो है साइड टेबल वगैरह है या कोई भी टेबल के पास है ना एज़ ए डेकोर सजा दिया है तो अब डस्टिंग जो यहाँ की करनी है मुझे रैक की तो मैं ये भी कर देती हूँ और इसको भी अगर कुछ मेरे पास और कुछ काम नहीं है तो मैं डेली में ले लेती हूँ अदरवाइज़ इसको भी एक दिन स्किप करके कर देती हूँ और अभी हुआ ये है कि अब मेरी है ना विंडोज़ वग़ैरह ज़्यादा खुली रहती हैं हवा की वजह से तो अब डस्टिंग ना बहुत ज़्यादा आती है तो अदरवाइज तो ये सारे जो साफ सफाई है ना ऐसे ही हो जाती है नीचे की तो क्योंकि बच्चे टायरी वियर को इधर उधर सॉफ्ट को फेंकते रहते हैं तो बस अब चलिए अब कुछ डेकोर की कर लेते हैं यहाँ है ना मैंने काफी साल पहले ये कुछ पेंटिंग बनाई थी अरू आ, तब चार साल की थी तो तब मेरे पास ना बहुत टाइम हुआ करता था इन सब चीज़ों के लिए अभी तो मुझे नहीं मिलता है तो ये ना ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने कहा मैं इसमें है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैं तो मैं इसको है ना ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी कि ये सीधे ऐसे ही पड़ा रहे तो बस मैंने इसको है ना फिर यहाँ लगा दिया थोड़ी तो मेहनत काम आएगी तो मैं इसको ना कैमरे में देख रही थी कि ये कैसा अच्छा लगेगा या नहीं और आप कमेंट करके बताना प्लीज़ कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं क्योंकि यहाँ है ना वॉल मुझे काफ़ी खाली लग रही थी और जो नेट की इंटरनेट की वायर है ना वो तो बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी तो मैंने है ना बहुत बार सोचा कि इसके लिए कुछ मुझे मंगाना चाहिए तो फिर मुझे लगा कि मेरा ही बनाया हुआ लगा देती हूँ ये अच्छा भी लगेगा तो ये जो मेरी तस्वीर थी ना ये कहीं टंगी हुई थी और ये गिरने वाली थी तो यहाँ मैंने इसको डबल साइड टेप से है ना लगा दिया है और साथ में एक और एसी का रिमोट टांगने के लिए है ना मैंने एक होल्डर लगा दिया है तो ये क्या है ना कि थोड़ा सा मैं नीचे लगा रही थी कि बच्चे भी रिमोट मतलब ले पाए कई बार ये ना वो मुझे बुलाते रहते हैं रिमोट उतारने करने के लिए तो मैं पहले ऊपर रखती थी तो साथ के साथ है ना देखिए मेरी क्लीनिंग भी हो गई और मैं इन्हें सजाने भी लगी तो यहाँ का है ना साइड टेबल का जो मैंने ये तस्वीर लगाई है ना ये फ्लावर पॉट जैसा है तो मैं रख तो सकती नहीं क्योंकि विशु है ना तुरंत कभी भी खेल खेल में ना उसे गिरा सकता है कुछ भी कर सकता है मतलब आ, कुछ कह नहीं सकते उसका तो मैंने सोचा ठीक है ये फ्लावर पॉट जैसा ही साइड में लगेगा तो मैं इसे है ना लगा देती हूँ तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा पतला सा था तो बहुत सुंदर सा लग रहा था तो बस इसी इतनी देर में मेरे ना ये मोटा वाला पर्दा धुल गया था तो ये है ना तुरंत यहाँ धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है और है ना ये बहुत जल्दी सूख भी गया था जब तक मेरे और दो तीन पर्दे धुले थे तो यहाँ मैं अच्छे से है ना क्लिप लगा दूँगी बहुत सारी क्लिप लगाऊँगी ये है ना उड़ के नीचे भी जा सकता है तो यहाँ है ना इसको तार अंदर है मैं अंदर नहीं डाल सकती थी क्योंकि बहुत पर्दे के लिए ना बहुत नीचा है ये तो बस यहाँ पे अब जो मैंने प्लांट बाहर रखा था थोड़ी देर इसे धूप लगानी पड़ती है इंडोर प्लांट्स को तो वो मैंने लगा दिया और देन उसके बाद नहा करके मैं आ गई थी बाहर से अपना जो है पेड़ सॉरी पर्दा लेने के लिए क्योंकि अब जो धूप है ना वो भयंकर हो गई थी तो मैं अब ये सारे पर्दे है ना आ, अंदर लगा दूंगी और दोपहर होने से पहले ही मेरे पर्दे सूख गए थे और यहाँ मैंने ना अरु का बैग भी वॉश कर दिया था और ये भी अच्छे तरीके से सूख गया था तो देखिए इस तरीके से है ना मेरे घर की और साफ़ सफाई हो गई अब मैं जब भी लेती हूँ ना तो वन बाय वन रूम के करटेन लेती हूँ अब लिविंग रूम का मेरा करटेन रह जाएगा क्योंकि उसमें मुझे हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है और जहाँ तक मैं कर सकती हूँ तो वो सारे पर्दे तो मैं उतार के वॉश कर देती हूँ और बहुत जल्दी जल्दी भी कर दी पंद्रह दिन में या महीने में है ना मैं इन्हें वॉश कर देती हूँ तो इससे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि आज मुझे पूरे घर के पर्दे उतारने हैं और ये सब वॉश करना है पहली चीज़ तो मशीन में बहुत और भी कपड़े धुलते करते हैं तो मैं सारा टाइम इनको नहीं दे सकती और सुखाने करने की भी इतना स्पेस नहीं होता है कि मैं सारी ही चीज़ें एक साथ में वॉश कर दूँ तो इससे मेरा बर्डन कम हो गया और एक रूम के पर्दे अच्छे से धुल गए चमक गए और ये लग भी गए एक दिन के अंदर ही तो ये सारे काम ना थोड़े दिन में करो ना जैसे आज मैंने इस रूम का किया है तो अगले दिन दूसरे रूम का इवन मैं जब कोई साफ सफाई करती हूँ तब भी ऐसे ही करती हूँ तो पूरा घर ना अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है ऑर्गेनाइज रहता है तो यहाँ क्या थे और भी कपड़े मैं ले आई थी और यहाँ मैंने वुलन क्लोथ्स भी वॉश करके रख दिए हैं तो ये सारी तैयारी ना पहले से करके रख लो और बच्चों के लिए ना बहुत ज़बरदस्त ठंड आने वाली है तो मैंने तो अपनी ये तैयारी कर ली है वॉश करके रख ली है जब भी ऐसा लगेगा ना रात में कहीं जाना करना है तो स्वेटर की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड भी करूँगी और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय